आओ बेटा फटाफट से लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज विथ व्हाट मैनेजमेंट इफ यू आर हियर जस्ट अ मिनट लेट मी ओपन. आई कांट सी यू गाइस. यस आई कैन सी यू. यस मौलिका ए. यस गाइस अंशिका भविंग बेटा आ जाओ भाई फटाफट से. एंड प्रोफेशन जल्दी आओ बेटा. इस गाय के साथ मैंने क्या कराया था मैनेजमेंट एज एन आर्ट. हाँ जी तो श्रेय गुरजोत अनुष्का एंड कवल गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग बेटा. हाँ मानसी तनवीन हर्ष गुड इवनिंग बच्चे. गुड इवनिंग एवरीवन. आर्ट डन. यस प्रोफेशन डन. यस 8 3 पॉइंट्स. कौन कौन से था 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 थ्योरेटिकल नॉलेज. सेकेंड कौन सा पर्सनलाइज एप्लीकेशन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. कमल प्रीत सी एस याद आ गया था आपको. यस सर जानता. यस सर जी बिल्कुल. यस सर डन. यस गाइस जसकरण हर्ष सौम्या तनवीन गुमानसी कवल गुड इवनिंग बच्चा. गुड इवनिंग. के से क्या था नॉलेज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशनल एसोसिएशन कोड ऑफ कंडक्ट. एंड एक और था एस से कौन सा था सर्विस मोटिव. ये था नाइन 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 नाइन. पक्का. तो आज मैं पहले कराता हूँ साइंस और फिर एक और बात में रिवाइज करा दूंगा आर्ट और प्रोफेशन. तो ये भी आज 3 खत्म हो जाएंगे. पक्का. और सिर्फ आपका टेस्ट जो होगा सिर्फ यहीं तक होगा. इज दैट क्लियर. चैतन्य एंड हरप्रभ गुड इवनिंग बच्चा. लेट्स कम टू साइंस. ये साइंस क्या है. व्हाट इज साइंस. व्हाट इज साइंस. साइंस क्या होती है बताओ. किसी को पता है साइंस किसको कहते हैं. साइंस किसको कहते हैं. जहां पर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हो. क्या हो. सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हो. फिजिक्स के बारे में पता हो. केमिस्ट्री के बारे में पता हो. बायो. वैसे तो मैं एक बात बताना चाहूँगा. हम कॉमर्स वालों का ना बहुत ही अलग रिलेशन होता है. मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद थी साइंस. बिल्कुल नहीं पसंद थी साइंस. मेरा तो जीवन बदलने वाला कौन था. ये अगर मैं क्लास में बैठा होता ना आपको तो आज अपने बारे में आपको आराम से कहानी सुनाता साइंस के बारे में. और हो सकता है क्लास ही निकल जाती टॉपिक ही ना शुरू होता. लेकिन अब ना यूट्यूब पे ना अच्छा नहीं लगता. कि सुनाऊँ बड़ी मोटिवेटिंग सी कहानी है. अब नहीं सुनाऊँगा. जब मिलोगे तभी बताऊँगा. तो मेरा तो बड़ा ही गंदा रिश्ता नाता रहा है. किसके साथ. साइंस के साथ. हाँ बुक सारी याद है. लखमीर सिंह. लखमीर होती थी. पता नहीं क्या नाम था भूल भी गया मैं तो. EPH होती थी. बस उसका इंडेक्स ही पढ़ता था. पहला चैप्टर का नाम ये दूसरे चैप्टर का नाम ये तीसरे चैप्टर का नाम ये. एनर्जी फ्यूल सन एंड न्यूक्लियर एनर्जी न्यूट्रिशन
बस ऐसे ऐसे पढ़ता था चैप्टर के नाम, और कुछ नहीं पढ़ता था। तो साइंस क्या होती है? बोलो दमन, हरप्रभ बोलो, व्हाट इज साइंस? जल्दी बोलो। जहाँ पर सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, उसकी अपनी वोकैबलरी होती है, उसका अपना कॉज होता है, इफेक्ट होता है। यस क्या जानना चाहते हो कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है? अरे मेरे बच्चों, पहले ये तो जान लो कि साइंस होती क्या है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बोलो ना। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस की अपनी वोकैबलरी है, अपनी वोकैबलरी है। मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन, पता नहीं क्या, अपनी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज और उसके प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। किस पर? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। एक तो ऑब्जर्वेशंस एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंटेशन। यस। और तीसरा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जल्दी बोलो, तीन फीचर्स। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन रिपीटेड। जहां तो लेबोरेटरीज के अंदर कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है साइंस में, और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। पक्का? यस यस सर। तीन फीचर्स। इन तीन फीचर्स को पहले पढ़ तो ले। इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता था? कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर उठाओ, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। यस, उसका कॉज एंड इफेक्ट। कुछ कॉज थे, कुछ न्यूटन्स का लॉ, मोशन का लॉ, पता नहीं कौन को, वेलोसिटी का लॉ। कॉज एंड इफेक्ट, सारे बोलो उसके प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफेक्ट होते थे। और उसकी वोकैबलरी होती थी, अपनी वोकैबलरी, जो लेमैन को समझ नहीं आते थे। मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर, अपनी पता नहीं क्या क्या थी, पता नहीं क्या क्या थी, मैं तो भूल ही गया। लिम्फोफोनिया, पता नहीं क्या क्या, अपने नाम ही वोकैबलरी होती है। अरे तुम्हारी भी तो है, कॉमर्स में भी तो डेबिट क्रेडिट है ना? यस। हर लैंग्वेज की अपनी वोकैबलरी है। हमारी कॉमर्स की अपनी भाषा है। अब तुम अपने छोटे भाई बहन को बोल रहे हो डटर बन जा, उसको क्या पता डटर का मतलब क्या है? उसको बोल रहे हो पैसे देके तू मेरे डटर बन जा। है गुरांश, गुड इवनिंग बच्चा। जी हाँ, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। तरनपाल, तू असले बेटा। अच्छा बोलो ना, सारे बोलो। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सर बोलने में दिक्कत हो रही है, सिस्टमेटाइज्ड बोलो ना। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, सिस्टमेटाइज्ड, सिस्टमैटिक से बना सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। यस। दो बातें बोलो, कॉज एंड इफेक्ट, अपनी वोकैबलरी, अपनी वोकैबलरी। अरे बायो में कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं, फिजिक्स में कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं, केमिस्ट्री में कैसे कैसे वर्ड आते हैं, अरे सोच भी नहीं सकते आप। पक्का? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पता नहीं क्या वर्ड है यार। मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर, अपनी वो वोकैबलरी, अपनी वोकैबलरी। पक्का? हाँ जी, इज दैट क्लियर? ओके हरमीत, गुड इवनिंग बेटा। हरमीत, सिनेमा मास्टर्स हैं, यहाँ पर ही पिक्चर दिखाते हैं। सुनो, वोकैबलरी, वोकैबलरी है। अरे ये चैनल इतना आगे जाएगा, तुम देखोगे बेटा, तुम ही लेकर जाओगे बेटा। क्योंकि मेरे को लगता है जितना हमने काम बिजनेस में कर रखा है ऑल ओवर इंडिया, बस इसकी मार्केटिंग की जरूरत है हमारे को।
मार्केटिंग की और अच्छी तरीके से पॉपुलैरिटी की, तो मैं बता रहा हूँ ये सिनेमास्टर्स बहुत आगे जाने वाला है, बहुत आगे। आपकी जिम्मेवारी है कि इसको पॉपुलैरिटी को बढ़ाना है। यस यस सर। सुनो, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, जल्दी बोलो, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट अपनी वोकैबलरी है, अपनी थ्योरी है, अपने कंसेप्ट्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं। बोलो, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, पहला पॉइंट। इज दैट क्लियर? साइंस में सेकेंड क्या है? ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये लैब्स देख रहे हो, लेबोरेटरीज देख रहे हो, लैब्स लैब्स देख रहे हो। यस सर। दीपाक्षी गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा। दीपाक्षी देख रही है, ये लैब्स दिख रहे हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं सारे के सारे। यस, देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, कर रहे होंगे कुछ भी, एक्सपेरिमेंटेशन। और ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्व ऑब्जर्व। लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस ह्यूमन बीइंग्स पर नहीं है, ये सब्सटेंसेस पे है। किस पर है? सब्सटेंसेस पे। एंड रिपीटेड, दे कीप ऑन रिपीटिंग। अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस इज देयर, अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस इज देयर, अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस इज देयर। बोलो, नंबर वन ऑब्जर्वेशंस। नहीं, नंबर वन क्या था? पहला फीचर, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड प्रिंसिपल बेस ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड, अबे पहले सुन सुन सुन, सर क्या कर रहे हैं? सर पहले साइंस को तो जान लेना, होता क्या है, पहले साइंस को तो पढ़ लो ना, होता क्या है, उसके बाद प्रूव करते हैं। क्या मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है? पहला पॉइंट बोल लो, फर्स्ट पॉइंट बोल लो, सिस्टमेटाइज, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। यस यस। सेकेंड बोलो क्या था? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। सेकेंड पॉइंट क्या था? उसके प्रिंसिपल किसके ऊपर चलते थे? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस पर प्रिंसिपल बेस होते थे, पक्का। और थर्ड थिंग, उसके प्रिंसिपल जहां मर्जी कर लो, दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में कर लो, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, कहीं पर भी, ब्राजील में, सेम रिजल्ट्स, सेम रिजल्ट्स, सेम रिजल्ट्स, सेम रिजल्ट्स, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, पक्का पक्का। जैसे कहीं पर भी उसको कर लो, सॉल्ट इन वाटर, वाटर इन सॉल्ट, कहीं पर भी सेम आएगा, जर्मनी में, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। अरे पैराशूट से आ रहे हैं, ग्रेविटी सेम रूल, कहीं पर भी सेम पेस पे आएंगे, अगर ऊपर से आएंगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इज दैट क्लियर टू यू? यस। तो साइंस की खूबियां सिर्फ तीन है, बोलो कौन कौन सी? सो गए हो? नो सर। प्रितेश गुड इवनिंग बच्चा, प्रितेश गुड इवनिंग। साइंस की खूबियां तीन है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। सारे बोलो यूनिवर्सल वैलिडिटी। आ जाओ देखे, क्या मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है? देखे, यस सर। आ जाओ दिखाता हूँ तुम्हें, देखोगे? यस सर।
मैनेजमेंट एज अ साइंस। आइए अब हम कंपेयर करते हैं लाइफ मनोज और संजय की। मनोज एक मैनेजर है मल्टीनेशनल कंपनी में, वहीं पर संजय एक साइंटिस्ट है। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, संजय एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी थ्योरी पढ़ी है। ये थ्योरी मैनेजमेंट की थ्योरी की तरह ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस और मैनेजमेंट दोनों की अपनी स्पेसिफिक वोकैबुलरी होती है। प्लानिंग, एफिशिएंसी, एफेक्टिवनेस, ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर। सो वी कैन सी देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इन बोथ मैनेजमेंट एंड साइंस। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस के प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन से डेवलप किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन से टेस्ट करके उन्हें कंफर्म किया जाता है। रिजल्ट्स आर प्रेडिक्टेबल बिकॉज दे आर डन विद सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स। मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड डील्स विद ह्यूमन बींग्स और इसी वजह से रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल नहीं होते, एज डिफरेंट एम्प्लॉयज शो डिफरेंट बिहेवियर्स। इसीलिए मैनेजमेंट को इनएक्जैक्ट साइंस कहा जाता है। Like we can see in this graph, the sales output of employees after going through the same training program, the outputs of Ankur, Rajiv and Suresh are different. Management ke jo bhi principles hain given by Fayol and Taylor, unke outputs completely predictable nahi hote. Unlike principles of science, aisa isliye hota hai because there is involvement of human beings in management, due to which the results are not predictable as in science. Universal validity. Sanjay knows that principles of science have universal validity and application. One day, Sanjay and Manoj went for skydiving. We both are falling at the same speed due to gravity. You are right. The principles of science are universal in their applicability. वहीं पर principles of management अपने results में universal नहीं होते और उनको modify करना पड़ता है according to the situation. जैसे कि मनोज ने जब Fayol के principle discipline को अपने दो different departments में apply किया तो results भी different आए. Productivity of department A and department B after application of discipline. We can see in the graph the productivity of two departments are different. पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि principles of management provides managers with standardized techniques, but the results will vary. Here we can say that in management, results will not be exact as in science. Therefore, we can conclude that management is a semi-science, half science or applied science. तो बच्चों क्या पढ़ा एक बारी दोबारा जल्दी बोलो। मानवी बच्चा, मानवी पुलवानी, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग बच्चा। बेटा साइंस के तीन फीचर्स पढ़े आपने, कितने बोलो? तीन। कौन कौन से? नंबर वन बोलो, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या ये प्रिंसिपल है कि नहीं? मैनेजमेंट एज अ साइंस। आइए अब हम कंपेयर करते हैं लाइफ मनोज और संजय की। मनोज एक मैनेजर है मल्टीनेशनल कंपनी में, वहीं पर संजय एक साइंटिस्ट है। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, संजय एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी थ्योरी पढ़ी है। ये थ्योरी मैनेजमेंट की थ्योरी की तरह ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस और मैनेजमेंट दोनों की अपनी स्पेसिफिक वोकैबुलरी होती है। प्लानिंग, एफिशिएंसी, एफेक्टिवनेस, ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट। बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट फीचर दोनों में एप्लीकेबल है। यस यस, पक्का। उसकी भी अपनी वोकैबुलरी है। कौन कौन सी? प्लानिंग, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट की, यानी कि मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज में
दो कीवर्ड्स, नंबर वन कॉज एंड इफेक्ट। अरे वहां पर भी तो यूनिटी ऑफ कमांड है, कॉज क्या था, इफेक्ट क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी पक्का। एक ही कमांड होगी, ड्यूल सबॉर्डिनेशन नहीं होगी, डिसिप्लिन ठीक रहेगा, ठीक है। यस, कॉज एंड इफेक्ट, इज दैट क्लियर टू यू, पक्का? यस और नो, स्मूथ वर्किंग रहेगी पक्का। जब इक्विटी होगा, कॉज इफेक्ट, वहां पर भी कॉज एंड इफेक्ट है, और प्रिंसिपल्स की भी, मैनेजमेंट की भी अपनी वोकैबुलरी है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, अपनी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट की भी वोकैबुलरी है, और इसकी भी, ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर। तो फर्स्ट फीचर इज प्रेजेंट, सारे बोलो फर्स्ट फीचर प्रेजेंट, एवरीबॉडी फर्स्ट फीचर प्रेजेंट, फर्स्ट फीचर प्रेजेंट। Point pressure. So we can see there is existence of systematized body of knowledge in both management and science. Principles based on experimentation. Science के principles observation से develop किए जाते हैं और experimentation से test करके उन्हें confirm किया जाता है. Results are predictable because they are done with substances and materials. Management on the other hand deals with human beings और इसी वजह से results predictable नहीं होते as different employees show different behaviors. इसीलिए management को inexact science कहा जाता है. Like we can see in this graph, the sales output of employees after going through the same training program, the outputs of Ankur, Rajiv and Suresh are different. मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं गिवन बाय फेयॉल एंड टेलर, उनके आउटपुट्स कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल नहीं होते, अनलाइक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस. ऐसा ही तो बच्चों क्या पढ़ा आपने, आउटपुट्स कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल. जल्दी बोलो फटाफट से. यस गाइस, व्हाट यू हैव डन, आपने क्या पढ़ा? सेकंड प्रिंसिपल्स कौन सा था, सेकंड फीचर कौन सा था? प्रिंसिपल बेस ऑन व्हाट, ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस. मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स जितने भी बनते हैं सारे कैसे बनते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पर एंड ऑब्जर्वेशंस को देखकर. बट वहां की ऑब्जर्वेशंस और साइंस की ऑब्जर्वेशंस में फर्क होता है. वहां की ऑब्जर्वेशंस किस पर है बोलो ना, सब्सटेंसेस पर. यस, सब पर प्रिडिक्टेबल है बोलो, आउटकम प्रिडिक्टेबल है, आउटकम प्रिडिक्टेबल है बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशंस किस पर, सब्सटेंसेस पर. यहां की ऑब्जर्वेशंस किस पर, ह्यूमन बीइंग्स पर. ट्रेनिंग दी गई मनोज को, सरोज को, विजय को, आपने इनके आउटकम देखे? मनोज आगे निकल गया. यस, ट्रेनिंग डिफरेंट पर्संस को देंगे, देर विल बी डिफरेंट रिजल्ट्स. ह्यूमन बीइंग्स, वहां सब्सटेंस है, यहां पर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स. तो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, प्रिडिक्टेबल नहीं है, कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल नहीं है बोलो ना, नहीं है. जैसा कि आपने ट्रेनिंग में देखा, तो पूरी साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है पक्का. चलो पढ़ते आगे, और पढ़ो ये वाला फीचर, थोड़ा तो था, एक्सपेरिमेंटेशन तो है, ऑब्जर्वेशंस तो है, बट ऑब्जर्वेशंस सब्सटेंसेस पर नहीं, ह्यूमन बीइंग्स पर. पढ़ो चलो आगे करते. नहीं होते, अनलाइक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन मैनेजमेंट, ड्यू टू विच द रिजल्ट्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल एज इन साइंस. यूनिवर्सल वैलिडिटी,
Sanjay knows that principles of science have universal validity and application. One day, Sanjay and Manoj went for skydiving. We both are falling at the same speed due to gravity. You are right. The principles of science are universal in their applicability. वहीं पर principles of management अपने results में universal नहीं होते और उनको modify करना पड़ता है according to the situation. जैसे कि मनोज ने जब फेयॉल के principal discipline को अपने दो different departments में apply किया तो results भी different आए. Productivity of department A and department B after application of discipline. We can see in the graph the productivity of two departments are different. पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि principles of management provides managers with standardized techniques, but the results will vary. Here we can say that in management, results will not be exact as in science. Therefore, we can conclude that management is a semi-science, half science or applied science. बेटा 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 जल्दी बोलो यस यस सर पक्का यस सर पक्का अरे सुनो ना बोलो ना उसके कितने फीचर्स थे बोलो सिस्टमेटाइज एक कॉज एंड इफेक्ट और अपनी वोकैबुलरी यस सेकेंड कौन सा था बोलो रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस यस और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी पक्का यस सर पक्का ना यस सर और ये वाला फीचर प्रेजेंट है ये वाला फीचर प्रेजेंट है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है बट सेकेंड ये वाला तो है ये है ये वाला तो है ये वाला तो है इसका भी कॉज एंड इफेक्ट है इसका भी कॉज एंड इफेक्ट है एम्प्लॉयज अगर पेड अच्छा करोगे तो वो एफिशिएंट बन जाएंगे हैप्पी बन जाएंगे उनकी अपनी वोकैबुलरी है तो फर्स्ट फीचर इज कंप्लीटली प्रेजेंट बट सेकेंड फीचर नो क्योंकि इसमें आपको किसके पे डील करना है ह्यूमन बींग्स सारे बोलो ह्यूमन बींग्स यहाँ पर अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई करती डिसिप्लिन इन डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी तो क्या था सेम रिजल्ट्स थे नहीं थे नहीं थे अरे जापान में ही देख लो ना डिसिप्लिन अलग तरीके का होता है और हमारे यहाँ पर अलग तरीका का होता है वहाँ पेटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होता है जापान में हमारे यहाँ नहीं है इंडिया के अंदर ही कई मैनेजर्स ऑटोक्रेटिक हैं कई डेमोक्रेटिक हैं कई दूसरों से बातें सुनते हैं डेमोक्रेटिक कई ऑटोक्रेटिक अपनी मनमर्जी करते हैं उसके व्यूज ही नहीं लेना चाहते तो बोलो ना रिजल्ट्स तो मैनेजमेंट ना एग्जैक्ट साइंस नहीं है सिर्फ फर्स्ट फीचर है सेकेंड भी नहीं है थर्ड भी नहीं है सारे बोलो यस बोलो ना यस सर क्लियर क्लियर सर बेटा जल्दी बता दो क्या कराया आपको जल्दी बता दो तीनों क्लियर जल्दी बोलो यस सर आवाज आए थ्री थ्री फाइव बोलो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन कुछ है कुछ नहीं है तो इन एग्जैक्ट साइंस और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है सारे बोलो इन एग्जैक्ट आवाज आए इन एग्जैक्ट एक बारी बोलो इन एग्जैक्ट पक्का यस सर इन एग्जैक्ट हाँ जी जल्दी बोलो इन एग्जैक्ट पक्का यस सर इन एग्जैक्ट साइंस पक्का
Yes, sir. In exact science. Done? Yes, sir. Done. Pakka? Bolo bachcho, clear? Type yes or no. Science is clear, yes or no, guys? Yes or no, bachcho? Likha karo na, yaar. Fada fad se, jaldi se, likho. Likho, mere bachcho. Yes or no? Clear? Science clear? Likho na, yaar. Fada fad. Chaitanya, yes sir. Yes sir, who else? Ekta, yes. Mansi, yes. Sadhvi, yes. Anushka, yes. Dipakshi, yes. Malika, yes. Harsh, yes. Pakka. Gurjot, yes. Arshpreet, yes. Davanjot, yes. Soumya, yes. Jaskiran, yes. Jia, yes. Kaval, Tanveen, Pritesh, yes sir. Done? Done sir. Pakka? Yes sir. Pakka? Yes sir. Khushi Malik bhi hai. Yes sir. Theek hai, ab meri baat suno. Ek aur bari. अच्छे से एक और बारी प्रैक्टिस कर लो. किसकी आर्ट की, किसकी आर्ट की. सिर्फ वीडियो चलाना है और कुछ नहीं. पढ़ो. मैनेजमेंट एज एन आर्ट. एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. पहला फीचर कौन सा? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. आर्ट में क्या होनी चाहिए? थ्योरी की नॉलेज. देखो क्या मैनेजमेंट में भी है थ्योरी की नॉलेज? आप पढ़ते. Now let us see whether management is an art or not by comparing Manoj, the manager, with Arjun, a singer, who is an artist. जब मनोज MBA कर रहा था और अर्जुन. देख रहे हो मनोज को भी पढ़ना पड़ रहा है और ये कौन है? मैनेजर. कौन है मनोज? कौन है मैनेजर? और ये अर्जुन. अर्जुन भी पढ़ रहे हैं. अर्जुन को भी पढ़ना पड़ रहा है. अर्जुन को भी पढ़ना पड़ रहा है. सिंगर है, इसको भी पढ़ना पड़ रहा है. यानी कि थ्योरी की नॉलेज दोनों में है. थ्योरी की नॉलेज दोनों में है. म्यूजिक में MA कर रहा था. एट दैट टाइम दोनों को ही थ्योरी पढ़नी पड़ रही थी, जिससे यह पता लगता है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन बोथ आर्ट्स एंड मैनेजमेंट. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. सेकेंड फीचर पर्सनलाइज एप्लीकेशन. अरे यार सुर तो सीख लिया उसने. सारे गामा बाधा नहीं सा. तबला तो बजा लिया. तबला सीख लिया. कवर ड्राइव सबको सिखा दिया कोच ने. लेकिन बैक हैंड मारना सबको सिखा दिया. लेकिन उसके बाद तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन है. हर किसी की एप्लीकेशन अलग अलग है. हर किसी की एप्लीकेशन अलग अलग है. मनोज एक बहुत ही एक्सपर्ट मैनेजर है, लेकिन वो अपनी कंपनी में और मैनेजर से डिफरेंट है. ऑल्दो सब सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. शर्मा जी, मैं तो दोनों मनोज और रवि के डिपार्टमेंट्स में जाता रहता हूं. डिसिप्लिन के क्या हाल हैं आप बताइए. वर्मा जी, दोनों जगह ही बहुत डिसिप्लिन है. मैं भी वहां जाता रहता हूं. मनोज सर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और स्ट्रिक्टनेस के साथ डिसिप्लिन मेंटेन कराते हैं. वहीं पर रवि सर जो है ना, वो इम्प्लॉयज के साथ बात करके और CCTV कैमरा यूज करके डिसिप्लिन मेंटेन कराते हैं. डिसिप्लिन तो सेम है, पर दोनों मैनेजर्स की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की वजह से उसके तरीके डिफरेंट है. सो वी कैन सी दैट देयर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन केस ऑफ एवरी. क्या देखा मैनेजमेंट में भी? क्या था? पर्सनलाइज एप्लीकेशन. डिसिप्लिन का ढंग अलग अलग था. द फेस ऑफ डिसिप्लिन वॉज
कई सीसीटीवी कैमरा से पक्का, और एम्प्लॉय से बातचीत करके डिसिप्लिन कराते हैं, और कई झंडे के जोर पे डिसिप्लिन कराते हैं। पर्सनलाइज एप्लीकेशन थ्योरी पढ़ ली, बट उसके बाद एप्लीकेशन डिफरेंट है। मैनेजर सिमिलरली अर्जुन अपनी सिंगिंग में 7 नोट्स जैसे कि सारे गामा पाधानी सा को यूज करता है। सारे गामा पाधानी सारे गामा पाधानी सा। अरे सारे गामा पाधा अर्जुन अलग कर रहे हैं, संजू अलग कर रहे हैं, पक्का रोहन अलग करेगा तो सोहन अलग करेगा, सबका सुर ताल अलग अलग होगा। सारे गामा पाधानी सा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि डिफरेंट सिंगर्स डिफरेंट तरीके से सिंगिंग में सेम नोट्स को यूज करते हैं और उसमें एक अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन दोनों में है, दोनों में है। सेकेंड पॉइंट भी दोनों में है। पहला पॉइंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस। सेकेंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन इज एप्लीकेबल इन सिंगिंग, दैट इज आर्ट। आर्ट मीन्स कला, हुनर, स्किल, एज वेल एज इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी एप्लीकेशन उसकी पर्सनलाइज है। एप्लीकेशन दिखाते हैं, यही चीज हमने मैनेजमेंट के अंदर भी देखी, इसलिए हम कह सकते हैं सो वी कैन सी दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इन केस ऑफ बोथ आर्ट एज वेल एज मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मनोज MBA कॉलेज से पास आउट होने के बाद अपनी जॉब में डेली मैनेजमेंट की नॉलेज को अप्लाई करता है। वो लगातार प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी को यूज करके अपने आप को एक बेटर मैनेजर बनाता है। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट मैनेजर गोज टू मिस्टर मनोज। और हम देख सकते हैं कि वैसे ही क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस को यूज करके अर्जुन उन्हीं 7 नोट्स को यूज करके अपनी क्रिएटिविटी से एक बेटर म्यूजिक परफॉर्मेंस क्रिएट करता है। सनी सा पापा मगा सा सा गरे पापा मगा सा सा गरे नी नी रे सा। दोनों ही जगह हम देख सकते हैं। तीसरा भी फीचर प्रेजेंट है, यस। दोनों को अवार्ड मिले प्रैक्टिस। विराट कोहली देखते हो कितनी प्रैक्टिस करता है, उसका कवर ड्राइव यार ऑफ साइड का, बाय गॉड क्या अमेजिंग है यार, किस उसने प्रैक्टिस की होगी यार। फेडरर का 100 बैकहैंड अनइमेजिनेबल, नोवाक जोकोविच एंड नडाल का यार 200 अमेजिंग यार, अमेजिंग 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 गाइस, अमेजिंग पक्का। यानी कि उनकी स्किल्स, और बुमराह बूम बूम बुमराह एक्शन ही अलग है यार। बुमराह का कितना एफर्टलेस बॉलिंग करता है, बूम बूम बुमराह। यॉर्कर यार प्रैक्टिस से आई है उसको, प्रैक्टिस से आई है। बुमराह से पहले मलिंगा था, एक्शन ही अजीब था, बट जानते हो प्रैक्टिस यार। बुमराह से पूछो कितनी प्रैक्टिस की है, वो कहता 1000 बॉल्स डेली के डेली मैं यॉर्कर डालता था, उसमें से मेरी जो यॉर्कर डलती थी क्लोज टू 950। पढ़ना पक्का, यस। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, किस तरह से क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस से ये मैनेजर्स और ये सिंगर्स अपनी परफॉर्मेंस को एक्सपर्टीज लेवल तक लेकर जाते हैं।
So we can say by the similarity of the above mentioned conditions, there is similarity between management as well as art. And we can definitely say that management is an art because there is presence of theoretical knowledge. There is presence of personalized application. And by the use of practice and creativity, a person can become an expert manager like. So now clear? Yes. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yaar, art 5 minute, profession 4 minute, science 3 minute. 12-13 minute mein aap science, art, profession kar loge. अभी तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं आराम आराम से, समझा रहा था साइंस, लेकिन जानते हो रिवीजन, जानते हो रिवीजन यार. मैंने विकासपुरी सेंटर पे तो बल्कि 5-5 कंप्यूटर लगा लिए थे. एक वो मॉडिफाई करा लिया था. क्या मॉडिफाई करा लिया था कि यार बच्चा आए, हेडफोन पड़े हैं, जब भी मर्जी आके क्या दिखे, रिकॉर्डिंग. बस उसको ना इस पूरे एपिसोड को, ये छोटी छोटी सीरीज है, इसको अगर मैं सारा इकट्ठा कर दूंगा ना तो 1.5 घंटे के अंदर चैप्टर 1 खत्म. यानी कि बिजनेस का जो 100 घंटे का कोर्स है, हमने उसको एक 30 आवर्स का कोर्स कर लेंगे. सिर्फ वीडियोस. इज दैट क्लियर? यस सर. ये जादू है सिनेमास्टर्स का. क्लियर? यस सो. पक्का? यस सो. आजो थर्ड, आजो. कौन सा? बस संडे को पेपर है, यहीं तक ही आएगा. चैप्टर नंबर 1, टॉप, मिडल, लोअर, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस और साइंस, आर्ट, प्रोफेशन. देख लो, बस यही रह गए, बस यही रह गए, सिर्फ यही रह गया है. बस कोऑर्डिनेशन खत्म. दैट्स इट. एक बारी प्रोफेशन पढ़ लें. आजो. इज मैनेजमेंट मिनट देखो, 3 मिनट 16 सेकेंड. अब देखते हैं, जल्दी बोलो. मनोज, 3 मिनट, जो कि एक मैनेजर हैं और उनके दोस्त भी. आइए अब देखते हैं मनोज को, जो कि एक मैनेजर हैं और उनके प्रोफेशन कौन क्या होता है. डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, ये सब क्या है. CS, ये सब क्या है, बोलो ना. प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स के अंदर भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. अब देखो ये फीचर क्या है कि नहीं है. के दोस्त पीयूष को, जो कि एक डॉक्टर, जैसे कि आप जानते हैं मेडिसिन एक प्रोफेशन होता है, बट लेट अस सी क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है. वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. मेडिसिन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, विच इज ऑल्सो देयर इन अदर प्रोफेशंस, जैसे कि लॉ, इंजीनियरिंग. इट मीन्स बोथ मैनेजमेंट, दोनों में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट में भी और प्रोफेशन में भी. फर्स्ट फीचर इज प्रेजेंट एज वेल एज प्रोफेशन हैव अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, पीयूष मेडिसिन प्रैक्टिस. डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री लेनी पड़ती है, CA करने के लिए क्या करना पड़ता है, CA का कोर्स, CS बनने के लिए CS का कोर्स, लॉ करने के लिए LLB की डिग्री. क्या ऐसी कोई डिग्री इसको है? यस और नो, देखते हैं मैनेजमेंट को चाहिए कि नहीं चाहिए, देखते हैं. प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज उनके पास मेडिसिन की डिग्री है, पर ऐसी किसी भी डिग्री की जरूरत मनोज को नहीं. वो MBA के बिना भी मैनेजमेंट कर सकते हैं. डोंट वरी, आई कैन प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन एज आई हैव डिग्री ऑफ MBBS. थैंक्स डॉक्टर. आई डोंट रिक्वायर एन MBA डिग्री टू बिकम अ मैनेजर, बट इट हैज रियली हेल्प मी टू बिकम अ बेटर मैनेजर एज लर्निंग हेल्प्स. सो वी कैन कंक्लूड दैट अनलाइक मेडिसिन और लॉ, मैनेजमेंट डजंट कंसिडर. बच्चों, पापा मैनेजर, पापा चेयरमैन, बेटी को या बेटे को क्या बना लेंगे? मैनेजर. यानी कि मैनेजमेंट डज नॉट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, बट इट इज प्रेफरेबल टू हैव
a qualification. Is that clear? Qualification as a restriction. Professional association. पीयूष ने मेडिसिन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया जो उनको ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल नाम की एसोसिएशन ने दिया। पीयूष का ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के साथ प्रोफेशनल एसोसिएशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाती है जिसे फॉलो करना हर डॉक्टर के लिए मैंडेटरी है। यही रिलेशनशिप एक लॉयर एंड बार काउंसिल का भी होता। मैंने बताया था कि आई एम एडवोकेट, आई एम लॉयर, आई एम एडवोकेट। मैंने LLB करी है और मैं बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करा रखी है। मेरी वाइफ एडवोकेट नहीं है बट LLB कर रखी है। शी पोजेसेस एन LLB डिग्री बट शी इज़ नॉट एन एडवोकेट। द रीज़न बीइंग एक उसने प्रोफेशनल की जो एसोसिएशन थी बार काउंसिल वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। यानी कि प्रोफेशनल को क्या कराना पड़ेगा, बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मनोज का प्रोफेशनल एसोसिएशन होना मैंडेटरी नहीं है। हाउएवर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA प्रोफेशनल को, प्रोफेशनल के लिए को क्या होगा, कराना पड़ेगा। लेकिन क्या मैनेजमेंट को कराना पड़ेगा? उसने बना तो दिया IMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, कराओ ना कराओ। आज की डेट में नहीं है कि कराना ही है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है। Which is formed by several associations of practicing managers, ने code of conduct बनाया है managers के लिए, पर इसको follow करने पर कोई compulsion नहीं है। Ethical code of conduct, जितने भी professions हैं, उनके लिए ये जरूर। कोई भी आप profession करते हो, वो convocation ceremony होती है, convocation yes, उस दिन आप शपथ लेते हो, I hereby agree that I'll follow, और लेते हो ना, यस ना, यस, ये डॉक्टर साहब भी ले रहे हैं, पक्का। जरूरी है कि वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। दिस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। जब पीयूष ने मेडिसिन के प्रोफेशन में एंटर किया था, ही इवन टुक ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस, पर ऐसी कोई ओथ मनोज ने नहीं ली। सर्विस मोटिव, पीयूष के मेडिसिन प्रोफेशन में उनका बेस्ट। वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी नहीं है, फोर्थ वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? वहां पर IMA में अगर प्रोफेशनल एसोसिएशन होगी तभी तो कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा। वहां एसोसिएशन में ही कंपलसरी नहीं है तो कोड ऑफ कंडक्ट होगा नहीं होगा? उनके लिए होगा जिन्होंने एनरोल्ड करा लिखा है, वो तो डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है। फिफ्थ फीचर, बेसिक मोटिव है अपने पेशेंट्स को डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस देना। वहीं पर मनोज जो कि मैनेजर हैं, उनका बेसिक पर्पस है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे करना। ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बिजनेस फर्म या प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विस बाय अ हॉस्पिटल। हाउएवर विद पैसेज ऑफ टाइम The ultimate goal of organization is not profit generation, but serving society with best quality goods and services. Thanks for giving such nice products at reasonable prices. This is all due to our good management team. So we can see management is a semi-profession or profession in making. हाँ जी, तो क्या पढ़ा, जल्दी बोल दो। यस यस सर, पढ़ा, यस सर, क्लियर, तीनों के तीनों। अरे अभी भी बाकी है टाइम, ध्यान से सुनो। प्रोफेशन पढ़ लिया, यस सर। पांच चीज़ें होती हैं, बोलो कौन कौन सी? मैनेजमेंट के पांच फीचर्स थे। इसको मैंने कैसे याद कराया था, कैसे याद कराया था? कमल, प्रीत,
CS. मेरी वाइफ का नाम है कमलप्रीत, शी इज अ CS. कमलप्रीत CS ऐसी बन गई. अरे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है. तो बोलो ना, के से नॉलेज, पी से प्रोफेशनल, सी से कोड ऑफ कंडक्ट, एस से सर्विस मोटिव. पक्का? यस और नो? यस. ये देख रहे हो LLB, देख रहे हो डॉक्टर्स, सबके सब वेल डिफाइंड. लॉयर को LLB, डॉक्टर को MBBS की डिग्री होनी जरूरी है, CA को CA की डिग्री होनी जरूरी है. पक्का? प्रोफेशनल एसोसिएशन बनी होती है MBBS के लिए. कौन सी? डॉक्टर्स के लिए IMA, सॉरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI. लॉयर के लिए बार काउंसिल. पक्का? यस. और इनको क्या करना पड़ता है? कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव. ये सारे फीचर्स हैं कि नहीं है? पहला है. दूसरा नहीं है. कोई भी आ सकता है, ये वाला फीचर नहीं है. प्रोफेशनल एसोसिएशंस IMA बनी हुई है, मैंडेटरी नहीं है. कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है. अगर वो ही नहीं है, प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होगी तो कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं होगी. पक्का? यस. यस सर. पक्का? शुगर है? यस. आते ना? हाँ जी यार. ये हरप्रभ वीडियो वीडियो भेजता रहता है. मैंने इसको समझाया भी, बेटा ये काम मत कर इस साल. तू देख रहे हो ये भी क्या कर रहा है? तबला, तबला. पता नहीं वीडियोस भेजता रहता है हर रोज ही. उस दिन भेज रहा था केसरी मूवी पर, केसरी मूवी पर. अच्छा कर रहा था, काम तो अच्छा कर रहा था. मैंने समझाया बेटा 12th क्लास में मत कर, तू ये काम मत कर यार. इसकी भी आर्ट है एक तबला बजाने की. तबला बजाने की. केसरी का बजा रहा था ना. यस. सिर वार दिए अंगा. यस और नो? यस. वो भी तो आर्ट है. वेल डिफाइंड बॉडी और नॉलेज कौन सा है बताओ? पांच में से टिक, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस. सर्विस मोटिव है भी और नहीं है. तो सारे बोलो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? प्रोफेशन नहीं है. प्रोफेशन नहीं है. साइंस है पार्टली, पार्टली इन एग्जैक्ट. आर्ट है, है. नेचर आ गई. अच्छे से नेचर पता लग गया? बोलो यस और नो. जल्दी बोलो ना, यस और नो फटाफट से. यस और नो बेटा, जल्दी टाइप. हाँ सुनो. हाँ जी. यस यार, इसका नाम पढ़ के तो ना पहले मेरे को समझ ही नहीं आया था एक बारी, क्योंकि मैं पूरा नाम पढ़ता ही नहीं था. पूरा नाम पढ़ता ही नहीं था. अर्शप्रीत बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने तो तालिबान ही सुन लिया था. तालिबान मैंने फिर बाद में करा. भाई इसका नाम तो अलग है. हाँ तबला है, तबला. पहले मेरे को भी यही लगा था तालिबान ही कोई घुस गया यहाँ पर पहली बारी में तो. हाँ अर्शप्रीत पाकिस्तानी तो नहीं, मेरे को तो कुछ और लगा था, तालिबान ही आ गए. ठीक है, लेकिन बाद में ध्यान से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा बेटा, ध्यान से पढ़ा. हाँ जी तरनपाल. सुनो. सुन. पक्का? यस सर. पक्का? हाँ. हर पर बाद में आ गया बेटा समझ कि बेटा. अच्छा सुनो, लिसन, क्लियर? यस सर. हाँ ऐसी बातें साला ये सुन रहे हैं आराम से. अच्छा जी, अब क्या क्या था? फीचर्स, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, टॉप लेवल के फंक्शंस, मिडल लेवल के फंक्शंस, लोअर लेवल के फंक्शंस, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन. यस. एक क्वेश्चन रह गया, कोऑर्डिनेशन.
only one question. Coordination, coordination, coordination. Only one question. अरे यार, जब बैच स्टार्ट हुआ था ना, 31 मई तक मेरे को था कुछ ना कुछ भी, उनको माइन्यूटेस्ट टू माइन्यूटेस्ट डिटेल्स भी कराऊं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, बस इनको माइन्यूटेस्ट ऑफ माइन्यूटेस्ट, क्योंकि यही दोनों बोरिंग है. सिर्फ किसी से भी पूछ लेना, बिजनेस स्टडीज के अंदर सबसे खतरनाक चैप्टर कौन से हैं, जो बहुत गंदे लगते हैं वो कौन से लगते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, दीज आर रियली गंदे गंदे. तो मेरे को था स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो. 31 मई तक इनको ये दोनों चैप्टर डिटेल में करा दो, डिटेल में करा दो, डिटेल में करा दो. क्या करा दो? डिटेल में करा दो. सच्ची बता रहा हूं, पूरे का पूरा. मेरा दिल जानता है, आपका दिल जानता है, अगर आपने मेरे को फॉलो किया है, इससे ज्यादा डिटेल में हो ही नहीं सकते. बोलो यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो. बहुत डिटेल में कराए हैं. किसने देखे हैं? मैं बच्चों के नाम लेता हूँ, मैं बच्चों के नाम लेता हूँ. आप बताओ किसने मेरे से चैप्टर 1 और 2 के सारे लेक्चर्स लिए, सारे लेक्चर्स लिए, सारे लेक्चर्स लिए. सच बोलना, झूठ मत बोलना. सिर्फ 1-2 लेक्चर छोड़ के मैक्सिमम 1 या 2 सारे लेक्चर्स लिए 1 और 2 में. जल्दी बताओ कौन कौन कह रहे हैं, जल्दी से कौन कौन कह रहे हैं, फटाफट कौन कौन कह रहे हैं, हाथ खड़े करो, फास्ट फास्ट रेज योर हैंड्स. हर्ष, तरन पाल, कसम, कवलप्रीत, मौलिका, हरप्रभ. झूठ बोलोगे ऊपर, झूठ नहीं बोलना. खुशी, साध्वी, जिया, मानसी, अर्शप्रीत, एकता, जसकिरण, दीपाक्षी, अनुष्का, गुरजोत, अर्शप्रीत सिंह. झूठ सालो, सच्ची बोलो, लिए ना, सच्ची ना. कैन आई ट्रस्ट यू? यस, पक्का? यस. एक बारी मेरे एफर्ट्स के लिए, और तपन पाठक के एफर्ट्स के लिए, तपन पाठक सर के लिए जोरदार, क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छे से कराया है, बहुत डिटेलिंग से कराया है, बहुत डिटेलिंग से मैंने चैप्टर 1 एंड 2 कराए हैं, एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन. एक भी क्वेश्चन नहीं रह गया, पक्का? यानी कि एक भी क्वेश्चन नहीं रह गया एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन का. एंटायरली डन. इतने डिटेल में, कसम खा के कहता हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता. जितने आपने नोट्स, अमेजिंग. उसकी वो यार, मैंने आज तक पिछले 2 साल में कभी भी ये टुच्चे नोट्स नहीं दिए, 50 पैसे कॉपी के, कभी भी नहीं दिए. हमारा तो नोट्स होते हैं ना, यहाँ पर इतनों के तो भाई बहन पढ़ के गए हुए हैं, 4-5 बच्चे तो इन्हीं में से निकाल दूंगा. बेटा 5 रुपये मिनिमम, 5 रुपीज का पेपर, एक प्रिंट आउट होता है, अमेजिंग क्वालिटी. मैं कह रहा हूँ, आपकी ख्यालों ख्वाबों की दुनिया से भी अलग होते हैं हमारे. कंटेंट वही है, बट नोट्स की डिजाइनिंग, आपको लगेगा बुक, 1-20 पेज में आपको लगेगा मैंने बुक पकड़ी हुई है. इतना मोटा पेपर, कुछ कहने की बात ही नहीं है. ठीक है बेटा, बस वो नहीं मिल रहे. इज दैट क्लियर? ओके ओके सर, बाय बाय सर. पक्का? ओके बेटा, बाय बाय. ठीक है, तो बहुत डिटेल से मेरे बच्चों आपको कराया है ये दोनों चैप्टर्स.
क्लियर? ओके गाइस, बाय 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 मेरे बच्चों।